नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थोड़ा सा करने जा रहे हैं, और हम हमारे पुराने JNU के जो इस समय हमारे साथ ही हैं, IAS में थे और JNU से संबंधित हैं, तो उनसे मैं पूछने वाला हूं कि चंद्रयान के लैंड करने के बाद में JNU में सन्नाटा क्यों है। सर, JNU में सन्नाटा क्यों है? देखिए, सन्नाटे की जो मूल फिलॉसफी है जिसके कारण से ये सन्नाटा हुआ है, उसको मैं इस तरह से बताना चाहूंगा। एक सोशियोलॉजिस्ट थे बहुत फेमस, इमाइल दुर्खाइम, उन्होंने पावर ऑफ कलेक्टिव सेलिब्रेशन के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या की है। यूनिटी होती है, सेंस ऑफ बिलोंगनेस टू ईच अदर वगैरह होता है। तो ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो चाहते हैं, अगर उनकी अगर आप फिलॉसफी देखेंगे तो उनकी फिलॉसफी के जो दो तीन मूल तत्व हैं, उनमें सबसे पहला तत्व है कि ये दुनिया को बाइनरीज में देखते हैं। इनकी फिलॉसफी जो है वो दुनिया को बाइनरीज में देखती है। ये उसी तरह की फिलॉसफी है जैसे कि इस्लाम हुआ आपका या क्रिश्चियनिटी हुई, बिल्कुल उसी तरह की फिलॉसफी है। ये विश्वास करते हैं कि अगर मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जो नहीं हूं, तो दूसरा जो है वो मेरा एंटीथेसिस है और उसको एग्जिस्टेंस का कोई ये नहीं है। खैर, मैं फिलॉसफी में चला जी तो मैं फिलॉसफी में चला गया, लेकिन इनका मूल कारण यही है कि देश में कोई भी ऐसी बात ना हो कि लोगों के बीच में भारतीयता, राष्ट्रीयता, पैट्रियोटिज्म वगैरह वगैरह जो है, यूनिटी, इसकी फीलिंग जो है रीइन्फोर्स होते रहे या रिजुविनेट होते रहे। तो मूल में तो फिलॉसफी, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मूल कारण जो है, जो फिलोसॉफिकल कारण है, जो पैराडाइमिक कारण है, वो ये है। क्योंकि कल देखा गया, बल्कि परसों जब चंद्रयान लैंड कर रहा था चंद्रमा पर, तो पूरे भारत में एक उत्सव जैसा माहौल था। और कहीं भी आप देखें, रेलवे स्टेशन पर देखें, एयरपोर्ट्स पर देखें, सड़कों पर देखें, बाजारों में देखें, घरों में देखें, सोसाइटीज में देखें, जहां भी आप देख रहे थे, वो बिल्कुल इस तरह का उत्सव का माहौल था जितना कि भारत जब पाकिस्तान को क्रिकेट में हराता है वो तब भी नहीं होता है, उससे भी अधिक था। पूरा ऐसा लग रहा था कि साहब की एक पूरा भारत एक उत्सव मना रहा है। लेकिन हमें पता चला कि जो कुछ थोड़े बहुत कुछ तो राजनेता थे, राजनेताओं को बेचारों को मजबूरी में तो ट्वीट करना पड़ता है, फिर भी एक साफ थे, उन्होंने चांद मुबारक कर दिया। मैं कह के मैंने लोगों को कहा कि भाई ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये संभवतः चांद बाबा मुबारक कहना चाहते थे, चांद मुबारक कह दिया गलती से अखिलेश बाबू ने, आपको ध्यान हो तो। लेकिन JNU में किसी प्रकार के उत्सव का माहौल नहीं था, मातम सा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि सब जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सोए पड़े हैं, पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी या तो कोई बिल्कुल जो मातम कहते हैं ना, किसी के घर में कोई गमी हो गई हो, इस तरह का बताया जा रहा है, जो मेरे सोर्सेज हैं ऐसा बता रहे हैं। विशेषकर जो आपके जो ह्यूमैनिटीज वाले जो हॉस्टल्स के एरियाज हैं वहां पर, आपके पास क्या समाचार है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में ही नहीं हुआ है, इन्होंने तो अपने घरों में भी मातम बनाया है। अच्छा। और दिल्ली में उस दिन जो भी
फेज थ्री की पार्टियां जो होता पार्टी जो होती हैं वो बहुत सब सब पार्टियों में सब लोग मुंह लटकाए हुए घूम रहे थे। देखिए संजय जी, आप जो बात कर रहे हैं कि क्या इनका बिहेवियर ऐसा है, इनका कंडक्ट क्यों है इस तरह का, एक तो बात मैंने बताई इनकी जो फिलॉसफी है वो। अभी जो चंद्रयान थ्री के साथ जो हुआ है उसमें उसकी दो एक दो यूनिक चीजें हुई है इनके लिए। पहले मैं एक यूनिक चीज पे इनको बताऊंगा, दूसरा तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताने से कोई यू वी ऑल नो, आपके दर्शक सब जानते हैं टेक्नोलॉजी का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है, टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। लेकिन जो एक लोगों में अब चर्चा होना शुरू हो गई है कि भारतवर्ष में जो विज्ञान था, विशेषकर खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान, हजारों वर्षों पूर्व से हमें पता था कि फॉर एग्जांपल जो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो हेलियोसेंट्रिक है, सन उसके सेंटर में, तो हम काफी एडवांस थे। तो अब हुआ क्या है कि इन्हें डर क्या लग रहा है कि ये जो भारत के लोग जो हैं ये कहीं भारत के बारे में सोचना तो नहीं शुरू कर रहे हैं, भारत के सिविलाइजेशन के बारे में, और जैसे ही भारत के सिविलाइजेशन के बारे में बात होगी तो फिर सनातन के भी बारे में बात होगी, तो इनको इससे बहुत डर लग रहा है। चूंकि इनकी जो पूरी जो जो इनका गोल है कि भारत को टुकड़े टुकड़े करना, वो इसके बिल्कुल जो है एक एंटीथेसिस ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जो आप देखिए इनके कंडक्ट के बारे में, जिसको मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी अपने को साइकोलॉजी में जानी पड़ेगी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कॉग्निटिव डिजोनेंस। जैसे कि संजय जी आप सोचते हैं कि अजीत कुमार सिंह जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, ये हैं, ईमानदार हैं, इनका कैरेक्टर भी अच्छा है, और सडनली कहीं से एक दिन 25 या 30 वर्षों के बाद एक दिन बिल्कुल इसका उल्टा जो है सारी चीजें पता लगे, इंटीग्रिटी के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, वगैरह वगैरह चीजों के बारे में, तो एक कॉग्निटिव डिजोनेंस की स्थिति क्रिएट हो जाती है। इनके साथ क्या हुआ है कि 2014 के पहले 2014 के बाद इन्होंने जो जिस तरह से समाज को देखा था, या जिस तरह से इनका जिस तरह से इन्होंने पावर एक्सरसाइज वगैरह किया था, नॉट ओनली पोलिटिकल पावर, मतलब इवन इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एंड ऑल दैट, तो अब क्या हुआ है कि 2014 के बाद इनका जो एक प्रीडोमिनेंस था वो जो है वो स्थिति ये लोग खो चुके हैं। उसके कारण से क्या हुआ है कि इनको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो स्थिति पैदा हो गई। अब सोचिए वर्षों तक उस आदमी एक ऐसे व्यक्ति की जो कि मानसिकता कैसी होगी, जो कि कई वर्षों तक सिर्फ अपनी ये सोच रहा है कि मैं तो मेरे लिए तो वर्तमान में जो वातावरण जो है उसने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर ली है। तो चंद्रयान से जो है इनको जो अलग टाइप की जो इनको जो चोट लगी है वो चोट और डर ये है कि अब भारतीय ज्यादा से ज्यादा भारतीय शायद अब जो है भारतीय संस्कृति जो है हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति उसके बारे में ज्यादा लोग जागरूक हो जाएंगे, देयर कैन बी अ रिज्यूवनेशन ऑफ अपना सनातन, ये इनको डर है इससे, इस चंद्रयान थ्री से। जी 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 वो तो दिख रहा है। अभी एक चल रहा था, एक ट्वीट चल रहा था, मैं देख रहा था कि वहां पर एक साइंटिस्ट पार्वती हैं, वो अपने सोसाइटी में लौटती हैं कई दिनों बाद, तो पूरी सोसाइटी नीचे आकर और उनका स्वागत करती है, उनको पुष्प गुच्छ तो देती है, साथ में गणपति की मूर्ति देती है, और पूरा जो एक पारंपरिक स्वागत होता है हमारी भारतीय परंपरा में उस तरह से हो रहा है। तो भारत की सफलता में, उनकी एक व्यक्तिगत सफलता में,
पूरी की पूरी जो उनकी सोसाइटी है वहाँ की, उसमें भाग ले रही है और उत्सव की तरह उसको मनाया जा रहा है। और एक तरफ ये लोग हैं जो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ी गमी हो गई हो, जैसे भारत कोई युद्ध हार गया हो। ऐसे भारत युद्ध हारते हैं तब ये उत्सव मनाते हैं, भारत के जीतने पर तो ये उत्सव मनाते भी नहीं है। और एक आपको बड़ी रोचक बात बताऊं कि पाकिस्तान में भी जब लोगों से पूछा जा रहा है तो वो भी शर्मा शर्मी कहते हैं, नहीं बहुत अच्छा है, बधाई हो भारत को, बधाई हो। और जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं वी आर प्राउड टू बी साउथ एशियंस टुडे। लेकिन जेएनयू वाले जो हैं वो प्राउड नहीं है, उनको किसी तरह से भी किसी तरह का गौरव उनको नहीं होता। अब नहीं संजय जी लगे तो और भी बात कर ले कि एक और नहीं, भी नहीं, ऑब्जेक्शन 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 माय लॉर्ड ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड जी। देखिए मेरे हिसाब से आप शायद जेएनयू वालों को जरूरत से ज्यादा गाली दे रहे हैं। वह क्या है क्या? हाँ अब बहुत कम लोगों को गाली दे रहे हैं इन जेएनयू वालों ने। इनके पास यूज किया है इन्होंने, इनका जो एक इंटेलेक्चुअल फायर पावर है और जो इनकी स्ट्रैटेजी बनाने की, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने की कैपेबिलिटी है, उसके कारण से आप देखेंगे कि आज भारतवर्ष की समस्त, ऑलमोस्ट समस्त ओपोजिशन की पार्टीज हैं, कांग्रेस से लेकर के चाहे लालू जी हो, कोई भी हो, चाहे अपने नीतीश बाबू जी हो, सब ने जो अपना जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल फायर पावर जो है उसका आर्सेनल जो है ये लिबरल्स को इन्होंने पकड़ा रखा है। और जो आप महिला वैज्ञानिक जिस तरह से लोगों ने अपलोड किया है उसी संदर्भ में मुझे याद आया, अगर आपने देखा होगा इन लिबरल्स को ये भी बहुत खटक रहा है कि वहाँ जो हमारी महिला वैज्ञानिक थी उन्होंने बिल्कुल ही अपना भारतीय जो अपने दक्षिण भारत में जिस तरह से महिलाएं पहनती हैं, और कुछ महिलाएं देखा मैंने जो उत्तर भारत की थी वो उस तरह से उन्होंने साड़ी वगैरह पहन रखा था और पूरा वो जो कुमकुम होता है और जो सारी चीजें होते हैं बिल्डिंग और ये अपना मंगलसूत्र वगैरह, तो ये सारी बातें तो इन्हें अच्छी नहीं लग रही है। तो ये सिर्फ जेएनयू तक लिमिटेड नहीं है संजय बाबू, ये करीब मेरे हिसाब से काफी लोग हैं इसमें सारे के सारे ओपोजिशन। एक और वेरिएशन देखने में आ रहा है जी, और वो बाकी ट्वीट कर रहा है, स्वागत कर रहा है, इसरो को बधाई दे रहा है, साथ साथ नेहरू जी को सब बधाई दे रहे हैं। वो एक एक एक, एक वर्ग ये भी है जो कह रहे हैं कि धन्यवाद नेहरू जी कि आपने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। इसी तरह से फिर संजय जी हमें ब्रिटिशर को जो है वंदे भारत के लिए धन्यवाद क्यों नहीं देना चाहिए, रेल लाइन तो सबसे पहले उन्होंने डाली थी, रेल्स भी ट्रेन्स भी उन्होंने पहले चलाई थी, तो वंदे भारत का श्रेय भी उन्हीं को देना चाहिए था। तो देखिए ये सारा कुछ यही दिखा रहा है, इंगित कर रहा है कि इनके पास जो है जो मेंटल बैंकरप्सी जो होती है, पॉलिटिकल मेंटल बैंकरप्सी, वो हो चुकी है कंप्लीटली। और इसी तरह से ये इस तरह की बातें करते हैं जो कि ये सोचते हैं कि भारत की आम जनता की आईक्यू इतनी लो है कि इनकी बातों को जो है वो मान लेगी, तो ये इस तरह के अलुल जलुल बातें कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसमें अपने को कोई आश्चर्य, ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं सोचनी चाहिए, ये तो करेंगे साहब। देखिए इनको एक और डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कभी कभी ये लोग मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी भी नहीं रखते हैं। अब मान लीजिए कि नेहरू जी की बातें उठा रहे हैं, अब क्या होगा साहब की नेचुरली सोशल मीडिया पे नेहरू जी के समय भी और क्या क्या बातें हुई और सारी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की जिंदगी में शायद हर एक बातें अच्छी नहीं होती हैं, तो जो अच्छी बातें नहीं हैं वो भी निकल के आएंगी। जैसे कि लोगों ने दिखाना ये शुरू कर दिया कि उस समय जो पहला रॉकेट 1962 में लॉन्च करने के लिए जा रही थी वो रॉकेट का जो मॉड्यूल जो था वो एक बैलगाड़ी पर जा रहा था, और वहीं बगल में एक फोटो डाला हुआ कि नेहरू जी अपने कुत्ते को लेकर के जो है एयरक्राफ्ट से उतर रहे हैं। और सही या गलत हमें तो पता नहीं, लोग तो ये भी कहते ही वो तो नेवी के शिप्स पे अपना बर्थडे मनाते थे।
जी वो तो था ही, नेहरू जब चूंकि आपने नेवी के शिप के बारे में कह दिया तो मैं आपके दर्शकों को एक इसी संबंध में और भी एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब एडविना माउंटबेटन की मृत्यु हुई तो आपको आश्चर्य होगा कि जो फ्लोरल बुके इनके उनके लिए रेफ भेजा गया, तो आप जानते हैं कैसे भेजा गया सर? नेवल शिप गया था। यस सर। तो भाई उन सब चीजों के लिए तो ये बातें निकल के आएंगी फिर सर, फिर ये भी बातें आएंगी निकल के कि क्या कारण है कि सरकार के पास चंद्रयान टू के लिए यूपीए के समय में पैसे नहीं थे, ये भी बात फिर निकल करके आई। फिर ये भी बात डिफर कर दिया था जी। फिर ये भी बात निकल करके आएगी कि साहब अपने जो साइंटिस्ट जो इस पे काम कर रहे थे क्रायोजेनिक इंजन पे, उनको किस लिए अरेस्ट किया गया था इतने दिनों तक, और उसकी तो खैर इंक्वायरी शुरू हो ही गई है, लेकिन आम जनता को एक मौका और मिलेगा इसमें। जब आप नेहरू जी की बातें करोगे तो फिर और भी पीछे चलते हैं, या बीच का भी जो पीरियड है उस पर भी देखेंगे। फिर ये भी बात उठ करके आएगी कि पीएमओ के डायरेक्टली कंट्रोल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर है आज तक, मुझे नहीं याद है कि कोई प्राइम मिनिस्टर स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी और तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हमेशा जी 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 तो जी तो पीएमओ में जो अधिकारी थे, मंत्री जो थे, स्टेट मिनिस्टर वगैरह जो थे और जो अधिकारीगण थे, उन्होंने जो है वो स्पेक्ट्रम के लिए जो एक एंट्रिक्स कंपनी थी उनके साथ अगर आपको याद होगा तो एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था जी। और सबको पता है कि उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था, उसी कारण से लोग भरते हैं कि इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा, जमीन में, पानी में, आसमान में, अंतरिक्ष में, सब जगह जो है महाभूतों में इनका प्रवेश है जी। तो ये बातें उठेंगी तो मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है, जब पूरा देश जो है एक उल्लास पूर्ण स्थिति में है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, और अगर कुछ आपको सुझाव देना है तो आप जरूर सुझाव दें। और कौन नहीं जानता है कि मतलब कि एक दिन में ये रॉकेट नहीं बना होगा, एक दिन की मोदी जी की उपलब्धि नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जो लोगों को दिख रहा है, तो जिनको दिखेगा वो दिखेगा ही कि मोदी के समय में थोड़ी त्वरित गति से कार्य हो रहा है, इसमें दुख तकलीफ की क्या बात है भाई, लेकिन वो मेंटल स्टेट वही है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। एक बात के लिए तो नेहरू जी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने विक्रम साराभाई को पहचाना हो या ना पहचाना हो, उन्होंने मृणालिनी साराभाई को तो बहुत अच्छी तरह से पहचान रखा था। देखिए अब आप इसको अब नहीं कहा जाए तो बहुत नाम है, तो अपना जो है मूल मुद्दा इधर से उतर हो जाए। मजा नायडू का तो मैंने नाम लिया ही नहीं। देखिए अब लंबी लिस्ट है, रहने दें इसे। फिर आप क्या चाहते हैं, इसे रहने दें। कृपलानी का भी नाम लें। अब हाँ वही मैं कह रहा था, आप उसी को प्रूव कर रहे हैं जो मेरा पोस्टुलेट था कि कांग्रेस को ये नेहरू जी वाली बात जो है बार बार बीच में नहीं लानी चाहिए। अब देखिए आपने भी क्या क्या खोल लिया, तो गलत स्ट्रेटेजी है। आई हैव बीन प्रूवन राइट। वैसे एक बात और बताएं आपको, मैं पाकिस्तानी चैनल्स देखता रहता हूं तो उस पर जो डिस्कशन चल रहा था वो ये था कि साहब के हमारा जो प्रोग्राम था स्पेस प्रोग्राम यानी पाकिस्तान का, वो 1962 में शुरू हो गया था और भारत का जो इसरो है वो 1969 में हुआ, लेकिन उसका भी कहते हैं कि साहब के नेहरू जी ने एक कमेटी बना दी थी और वो कमेटी जो थी वो उनकी नज़दीकी जो थी साराभाईस कह रहा हूँ मैं, वैसे तो मृणालिनी जी से अधिक थी, तो चलिए इसी बहाने कम से कम देश के एक विख्यात वैज्ञानिक को अवसर मिल गया, कोई बात नहीं, कई बार जो है इस बहाने ही अवसर मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ कमेटी बनाई, उन्होंने पाकिस्तान की तरह वो स्पेस का एक मिशन नहीं बनाया था। ये अलग बात है कि पाकिस्तानियों ने अपना जो है वो
उसको आर्मी के अंडर में डाल दिया और इसरो जो है वो साइंटिस्ट के अंडर में रहा, तो उसका हमें कल लोग ये भी कह रहे थे कि साहब देखिए नेहरू जी ने सैटेलाइट भी लॉन्च कराई। मैंने उनसे पूछा यार पहली सैटेलाइट तो 1975 में लॉन्च हुई थी और वो भी सोवियत यूनियन से लॉन्च हुई थी, सैटेलाइट जरूर हमारी थी आर्यभट्ट, तो उसका भी कोई उत्तर मुझे जो है वो बहुत तसल्ली बख्श या संतोषप्रद जिसको कहते हैं हिंदी में वो मिलता नहीं है। बाकी लोग तो कहते हैं कि साहब आईआईटी भी नेहरू जी की देन है और एम्स भी नेहरू जी की देन है। देखिए आईआईटी के बारे में कहना चाहूंगा, ये जो मिथ है आईआईटी के बारे में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे विधान चंद्र राय जी, तो एक्चुअली जो खड़गपुर में है उसको उन्होंने रुड़की से के कंपटीशन में लाके खड़ा कर दिया था। आप तो इंजीनियर हैं, रुड़की के बारे में जानते होंगे कि कितना फेमस था उस समय अपनी आजादी के समय, तो उसके ऑलमोस्ट तो जी 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 तो ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के दो मुख्य जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो बीएचयू इंजीनियरिंग कॉलेज और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। मेरे पिताजी बीएचयू इंजीनियरिंग कॉलेज से थे। तो विधान चंद्र राय जी ने बिल्कुल स्पेशली जो है उनका इंटरेस्ट था और वो इंटरेस्ट लेकर के वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको ऑलमोस्ट रुड़की के लेवल पे ला दिया था और उसी को के मॉडल को जो है नेहरू जी ने फॉलो करके जो है आईआईटी के बारे में उन्होंने कदम उठाए थे। क्या नहीं, वो विधान चंद्र राय ने उनको परसुएट किया था। वो विधान चंद्र राय चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, बहुत बड़े उस समय वो वकील भी थे और उनके जो पुत्र थे वो भी बड़े वकील थे, वो इमरजेंसी को क्रेडिट जाता है उनको। तो हम एम्स के बारे में कहते हैं कि साहब की वो तो बनी नहीं रहा था, वो तो राजकुमारी अमृत कौर ने अपनी सारी जमीन दान कर दी उसके लिए तब जाके वो बना। देखिए वही मैं तो ये कहूंगा संजय जी कि ऐसा तो है नहीं कि नेहरू जी का कोई योगदान नहीं रहा है, हर एक प्रधानमंत्री का योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा था। 370 उन्होंने लगवाया और कोई लगा सकता था क्या? तो लेकिन एक जो 1962 का युद्ध उन्होंने हरवाया और कोई हरवा सकता था क्या? एक जो नेशनल ओकेजन है, नेशनल ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन, कलेक्टिव सेलिब्रेशन, उस मौके पे थोड़ा सा वो होता है ना कि साहब वो जैसे यज्ञ वगैरह होता था जो हम महाभारत और उसमें खास करके रामायण में पढ़ते थे, पढ़ा है रामायण में कि विश्वामित्र जी जब भी यज्ञ करते थे तो कुछ दुष्ट दानव ही वगैरह वगैरह आकर के उसमें हड्डियां वगैरह डालते थे और उसको जो है उस सोलम ओकेजन को या जो हो रही पूजा हो रही है उसको वो मतलब कि विनाश कर रहे थे। तो ऐसे ही लोग हैं साहब, अब देश में खुशी का माहौल है, पूरा हर एक भारतवासी जो है एक्सेप्ट दीज इंटेलेक्चुअल्स और ये जो है खुशी, मुझे तो लगता है कि साहब इनके घर के बच्चे कैसे निकलेंगे, सोचिए अगर इनके क्या इनके घर के बच्चे नहीं मना रहे होंगे क्या, उनके भी तो पोते पोती भाई बहन वगैरह सब कुछ होंगे, तो ये बड़ी एक रिग्रेसिव मेंटालिटी है और इट इज एमिनेटली सर वो बच्चों के खुश होने पे बहुत दुखी होते हैं। हाँ ये तो है, अब आप तो थोड़ी सी मतलब कि ज्योतिष वगैरह भी जानते हैं, तो मुझे तो लगता है कि इन लोगों की जन्म कुंडली में यही लिखा हुआ है कि 2014 से लेकर के उसके बाद जो है तुम इसी तरह की मानसिक व्यथा और अवस्था में जीते रहोगे, कभी तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं होगी। खुशी उस दिन होगी अगर किसी दिन देश की कोई बर्बादी हो रही है या देश में कोई मतलब कि दंगा फसाद हो रहा है, उस समय जरूर इनको थोड़ी सा बीच बीच में मौका मिल जाता है खुश होने का, तो अदरवाइज तो इनके भाग्य में जो है यही लिखा हुआ कि जब तक ये जीवित रहेंगे, मुझे लगता है देखिए साहब ये लोग कितने 15-20 साल जीवित रहेंगे, हम लोगों के एज ग्रुप के लोग या हमसे थोड़े छोटे वगैरह भी। अब क्या है कि मुझे तो नहीं लगता कि 15-20 साल तक
ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो भी अलायंस रहे या बीजेपी अकेले रहे, कि 15-20 साल से कम राजनीति में कुछ भी हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह के अभी चीजें हैं जो मतलब जो फैक्टर्स जो दिख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स जो दिख रहे हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि अगले 15-20 साल तक कांग्रेस या कोई और दूसरी पार्टी जो है नेशनल लेवल पे आने वाली है। और हो सकता है कि इस बार देखिए, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ एक स्टेट में तो चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं एक तो तमिलनाडु को, और दूसरा मैं थोड़ा सा बिहार को देख रहा हूं। महाराष्ट्र के बारे में लोग कह रहे हैं उधर, लेकिन मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बीजेपी का तो कम से कम अपना वोट तो इंटैक्ट रहेगा, राइट। और आप ये मानिए कि शिवसेना का भी, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि शिवसेना का टोटल वोट का 40% भी जो है या 33% जो है शिंदे साहब के साथ आता है, और उसी तरह से एनसीपी का भी, देखिए एनसीपी में ज्यादा आएगा, एनसीपी का ज्यादा, चूंकि आप जानते हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो इधर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किस मतलब कि गणित से या क्या क्या फैक्टर्स को इन्होंने और इंक्लूड किया है, जिसके कारण से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि बीजेपी प्लस का परफॉर्मेंस पिछली बार से कम आएगा, मुझे तो नहीं दिखता। तो मेरे लिए तमिलनाडु के कुछ जो बड़े दल जो थे वो अलग हो गए हैं, संभवतः इस कारण से उनका वो इस प्रकार का आकलन है। नहीं ऐसे देखिए निमरी मतलब कि पॉलिटिक्स इज नॉट अरिथमेटिक, ठीक है, वो तो बात ही पॉलिटिक्स इज नॉट अरिथमेटिक। और तमिलनाडु के लिए देखिए ऐसा है कि मैं पिछले 2 साल से जो है मैं घर में कह रहा हूँ बच्चों को और परिवार में, और एक दो जगह मैंने अपने मित्रों से भी शेयर किया था कि मुझे एक एहसास लग रहा था कि मोदी जी शायद तमिलनाडु के किसी जगह से कंटेस्ट करेंगे, बनारस के अलावा भी। और अभी जो थोड़ा बहुत एक संकेत इधर उधर से मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी एक कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, बातें हो रही हैं, जरूर बातें हो रही हैं, कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। और जो पिछले आप देखें 9 साल से जो इनका एक विशेष जो है तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं और तमिलनाडु की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, पूरे दक्षिण भारत की संस्कृति, वो तो वैसे तो मोदी जी मतलब कि जहाँ जाते हैं वहाँ भी उस संस्कृति के बारे में, उस राज्य की संस्कृति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। मुझे कहीं मैंने पढ़ा था कि मोदी जी ही शायद ऐसे शख्स हैं, पॉलिटिशियन हैं आज की डेट में, जो भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में कम से कम इन्होंने 1 या 2 रात जो है नहीं बिताई। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 15-20 तो तमिलनाडु में अगर मोदी जी जाते हैं, और दूसरा जिस तरह से वहां का उनका रिस्पांस मिल रहा है जो उनकी यात्रा चल रही है अन्नामलाई जी की, और आई थिंक जो 40-50 साल से एक जो दो पार्टी लीड रहा है, अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया जैसा कि त्रिपुरा में हुआ था, आपका वेस्ट बंगाल में हुआ था, अगर इस तरह की कुछ बात हो जाती है और वहां से मान लीजिए कि देखिए आज की डेट में क्या है कि डीएमके प्लस के पास करीब करीब सारी सीटें हैं, 40 के आसपास होगी, ओपोजिशन के पास शायद 2 सीटें होगी एनडीएमके के लिए, एक। तो मुझे नहीं लगता कि डीएमके की प्लस की वो स्थिति रहेगी, मैक्सिमम दैट दे कैन गेट मैक्सिमम I feel 20 DMK plus, और जो रेस्ट 19 में हुआ, अगर मान लीजिए कि उसमें नेचुरली AIDMK मेजोरिटी रहेगी, लेकिन अगर बीजेपी को 1 या 2 भी मिल जाती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या हुआ कि अब जो बीजेपी प्लस एलायंस मतलब NDA जो होगी उसका नंबर बढ़ जाता है बहुत सिग्निफिकेंटली, और सब्सिक्वेंटली जो है और आप देखेंगे तो ओवरऑल जो है NDA का वो तो बढ़ेगा ही, और बीजेपी को भी 1 या 2 सीट जो है तमिलनाडु से मिल सकती है। तो इसलिए मैं तमिलनाडु, हाँ, और अगर वे जिस तरह की बात, अगर अन्नामलाई वाली जो बात हो रही है, अगर अन्नामलाई जी का और मोदी जी का जादू चल गया
और वहां 40 में से 38 सीटें जो है इनके ग्रुप को आ गई, तो दैट कांट बी रूल्ड आउट अगर वो चल गया। इसीलिए मैं जो है एक मेकिंग वेरी बोल्ड प्रेडिक्शंस। संजय जी देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा, आप मुझे जानते हैं, मैं थोड़ा सा बिना सोचे समझे या होमवर्क के किसी बात पे जनरली बात करता नहीं। देखिए आपके पास होता क्या है कि अगर लोगों का गुस्सा हो गया और उन्होंने देख लिया, देखिए करप्शन एवरीबडी नोज इन तमिलनाडु, फिर हिंदू का रिसर्जेंस हुआ है, मतलब कि थोड़ी बहुत चेतना जगी है, मोदी जी के बारे में लोगों को पता ही है, ठीक है, और अन्नामलाई के जो मतलब कि जो जिस तरह से मतलब कि उनको पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सारे फैक्टर्स, आई वंडर वाई यू नो लाइक इफ थिंग्स कैन बी क्रिएटेड, सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड इन लाइक त्रिपुरा और इवन वेस्ट बंगाल, जहाँ की आप 18 सीट ले आए थे और 3 से आप 77 गए थे मतलब कि उसमें, तो वाई नॉट इन तमिलनाडु, वाई शुड वी कीप इट आउट ऑफ द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी, आई एम लुकिंग एट इज द रेलम ऑफ प्रोबेबिलिटी, not only possibility, I'm looking at the realm of probability, it is probable the what degree, okay, it is possible and probable, but to what degree, well it may vary from 50-50 to 98%, so that is one state I am focusing on, and Bihar, Bihar mein dekhiye jo ye log keh rahe hain wahan bhi main thoda sa disagree karunga. कारण क्या है कि देखिए बीजेपी का वोट तो इंटैक्ट है वहां पे, उसमें तो कोई क्षति या कमी आई नहीं होगी, अपने जेडीयू के जो हैं कई सेक्शन आप देख ही रहे हैं और जेडीयू के जो अलायंस वाले हैं जिनका थोड़ा बहुत प्रभाव है अन्य जातियों, अपनी अपनी मतलब की जातियों में, वो इनके साथ हैं, अच्छा इक्वेशन बन गया है वहां पे, जो वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है वो एक मतलब कि आप क्या कहेंगे मतलब कि आग में घी का काम कर रही है, जिस तरह से अलग अलग वर्गों की पिटाई हो रही है वहां पे आपने देखा होगा, मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है कौन सा वर्ग ऐसा है कि जिसकी पिटाई नहीं हुई है। हम थोड़ा विषय से विषयांतर कर गए हैं। अच्छा हाँ सॉरी, मतलब कि मैं ये कह रहा था कि अगले 15-20 मैं आपको थोड़ा सा एक आपको विषय पर लाता हूँ वापस, और कुछ जो JNU तो नहीं लेकिन JNU के जो प्रेमी हैं कुछ विशेषकर से जो राजनेता हैं वो क्या कहते हैं, एक RJD के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव जी ने, उन्होंने चंद्रयान की सफलता के लिए बधाई दी अवश्य लेकिन NASA को दे दी। फिर एक हमारे राजस्थान के आप जानते हैं अशोक चांदना जी हैं, तो उन्होंने तो चंद्रयान में जो यात्री गए थे उनको ही बधाई दे दी और कहा कि जब वो वापस लौट कर आएंगे तब उनका हम स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी जी ने कहा कि भाई राकेश रोशन चांद पर गए तो हमको बड़ी प्रसन्नता है। और फिर नीतीश कुमार जी से पूछ लिया किसी ने चंद्रयान के बारे में, तो नीतीश कुमार जी तो बोले कि ये क्या होता है चंद्रयान, वो तो खाली एक ही यान पता है और वो है जाति यान, उसके अलावा हम कोई दूसरा यान जानते ही नहीं। और राजीव शुक्ला जी जैसे बोल रहे थे कि ये लॉन्चिंग हुई है या लैंडिंग हुई है पूछा था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन इसरो के वैज्ञानिकों ने ये लॉन्च किया चंद्रयान उनको 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो आपको दिख रहा है ना कि कुछ लोगों के दिल पर क्या बीत रही है। नहीं नहीं दिल पे नहीं, इनकी मानसिक स्थिति वैसी है, मानसिक स्थिति उसीलिए दिल पे लग रही है, मानसिक स्थिति ऐसी है। ये मतलब देखिए दिल पे लगना तो एक टेम्पररी फेनोमेनन होता है। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न पूछ ले कृपया, और व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं और सुपर चैट से पूछ सकते हैं, साथ में जो देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को आप लाइक भी कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को कंट्रीब्यूट भी अवश्य करें, ऐसा अनुरोध है। जी सर, जी कंटिन्यू करें।
जी, आपने जो ये विभिन्न हस्तियों के जो कमेंट्स बताए हैं, तो देखिए सोशल मीडिया के मार्फत जो है सबको पता है, आम जनता को पता लग रहा है, तो चलिए एक पॉलिटिकल एडुकेशन भी हो रहा है इसी मौके पे। आम जनता की देखिए कि आपके जो नेता लोग हैं, आपके लीडर्स हैं, उनको किस चीज़ की कितनी जानकारी है, तो अच्छा है जी, एक्सपोज हो रहा है पब्लिक के सामने कि किस किस तरह के नेता हैं लोग। और देखिए साहब ये, लेकिन ये जो है ना, ये डेलिटेरियस नहीं है, इनमें कोई मैलाफाइड ही नहीं है एज कंपेयर टू योर जेएनयू लेडर लिबरल्स की जो बात आप कह रहे हैं, वो तो साहब बिल्कुल विष भरा है और टोटली मैलाफाइड है। तो दोनों में थोड़ी सी तुलना जो है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ये लोग अपनी बेवकूफी दिखा रहे हैं जरूर, इतना तो जरूर है, लेकिन इनका वैसा कुछ मैलाफाइडे नहीं है। और उनके यहाँ तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे कैसे, मतलब कि इन्होंने कमेंट्स डाले हैं, बिल्कुल विष भरा। जी, तो आइए दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। कुछ प्रश्न आए हुए जी हैं, दर्शकों के प्रश्नों पर हम चलते हैं। धर्मेंद्र चौबीसा जी, धन्यवाद आपको। अरुणा अभियो कह रहे हैं कि इन लोगों ने बस मोतीलाल को क्रेडिट नहीं दिया सारा, ये बहुत गलत हुआ। लेफ्ट इतना आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हो जाएगा यह बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। ये तो बात सही है, मोतीलाल नेहरू को तो देना ही चाहिए था इसको। मोतीलाल बिल्कुल अरे जवाहरलाल तक क्यों रुक गए? अरुणा अभी ये पूछ रहे, कैन वी क्रेडिट नेहरू फॉर नॉन अलाइन मूवमेंट? आपसे प्रश्न। देखिए इस तरह के जो इंटरनेशनल जो बॉडीज बनती हैं, एसोसिएशंस बनते हैं, उसमें एक आदमी को क्रेडिट देना किसी चीज के लिए, ये जरूर आप कह सकते हैं कि उन्होंने लीड ली या नहीं। तो मेरी जानकारी में नहीं है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की लीड इन्होंने ली थी। मेरे हिसाब से इसकी लीड जो ली थी इजिप्ट के क्या नाम था, मैं भूल रहा हूँ उनका, और जो इंडोनेशिया के सुकार्नो थे, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। और तो ये लोग तीन चार जो लीड, और वो चेक उस समय यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, तो ये लोग लीडिंग फिगर्स थे उस समय के। और एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी को इसके लिए क्रेडिट दिया जाना कोई अच्छी बात नहीं मेरे हिसाब से। जी, नेक्स्ट है जे बी जे पी एस डी जी, प्रणाम। रोवर लेटेस्ट इन्फो यू हैव, सभी को रोवर की इंफॉर्मेशन है भाई, और बहुत सारे लोगों को तो इसी में कष्ट हो रहा है कि वो अशोक स्तंभ बनाता चल रहा है, उसमें ही प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है। और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रोवर की जो है, वो जो आई है पब्लिक में, वही है हमारे पास। और 10 PM लाइव आज शो नहीं है, 10 PM पर रिकॉर्डेड शो आएगा। नहीं, वो बात नहीं है। अभी रोवर जो है नेहरू जी के साथ बात कर रहा है, जब समय उनके साथ बात हो जाएगी तब हम लोग से रोवर की बात होगी, फिर हम लोग बताएंगे आप। हाँ वो तो है, तो नेहरू जी तो प्रसन्न नहीं होंगे ना, क्योंकि चांद को दो टुकड़े कर चुके हैं एक प्रॉफिट, और उसके चांद के दो टुकड़े में जाके वहां पर जब आपका लैंडर और रोवर बैठ गया, तो वो जमीन जो है वो नापाक हो गई। तो इससे लिए जो है वो कुछ हमारे मौलवी मौलाना भी त्रस्त हैं। तो आइए अब हम इस वार्तालाप को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अजीत कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वंदे महाशय। मातरम। जय हिंद, जय भारत।